आज हम टीकमगढ़ जिले के बल्लेवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भेलसी में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के रहने वाले राम सेवक विश्वकर्मा, जिनका आरोप है कि हमारा छोटा भाई जिसकी आयु 28 साल है, 1 तारीख से लापता हो गया है। इसकी खोजबीन हम लोगों ने सभी जगह की और बल्लेवगढ़ थाना में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई सुराग नहीं मिला है। रात में सोवे नहीं आ, सो हमने पूछी है जिते उतर भागवत बैठी थी, सो हमने की कहते बिहारी है तो कल नहीं आ, हमने की रात में नहीं है तो कल रात में नहीं थे, सुबह नहीं आ। सो फिर हमने तो गांव में तलाशी तो फिर क्यों नहीं मिलू, फिर सब लोग बोले कल के विधायक जी की रैली गई, मैं तो नहीं चले गए। फिर हमने अपने बेटा हम फोन लगा दिल्ली में था जे, तो के काउ को नंबर हो भैया वे गए हैं तो पूछ लो मैं हो वे, तो हमने अपने माँ के फोन लगाओ डिकोरी ना सुना के सब ने कह दी कि नहीं आ। फिर रैली की मैं पता चल गया फोन लगाओ के हो हैं रैली में, हमें मिल गए आगे, तो फिर बोले कि हम अब तो साथ में हैं सब लोग, अब चिंता नहीं करो, सो हम रह गए कि भैया सब लोगन के संगे आ जाएँ। उतर पहुँच गए रात में, दर्शन हो गए और सुबह होते चौकलो रहे सबके संगे। अब वो भीड़ में लौटते समय 10 बजे से और छराम राजा के 10 बजे से गायब हो गए। और अच्छू मातन भी गए, पहले भी गए थे अच्छू मातन, जब जिस दिन ओरछा गए थे, कल भी गए थे तो कहीं नहीं मिला। लोग बागों ने बताया जरूर है ये फोटो देख के, कहा यार ये लड़का तो मुझे दिखा है, पर इधर से इधर चला जाता है, इधर से इधर, इतना पता लगा अभी। वैसे हमें दिखा, उम्र उनकी 28 साल है आधार कार्ड के हिसाब से। सूचना के लिए कोई फोन वगैरह कुछ थी? उनके पास कुछ नहीं है, जो कपड़े पहन रखे हैं वही कपड़े हैं खाली उनके पास में। हाँ, डर बना हुआ है, इस तरह की चिंता है? चिंता ये है, चिंता के मतलब वो थोड़ा दिमाग से तो आउट है ही हैं और बाकी हाथों से विकलांग हैं, हाथ हैं उनके, पर वो ऐसे सीधे हाथ नहीं कर पाते, वो कोई तम्बाकू दे या कुछ दे तो वो ऐसा हाथ करते हैं। तो अपने को ये टेंशन है कि भूखा प्यासा कहाँ पर फिर रहा होगा, ये टेंशन है कि अपने घर पे आ जाए तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जिस किसी भाई को दिखे तो मेरे को फ़ोन करें, सूचना दें, तत्काल फ़ोन करें, जिस किसी भाई को मिल जाए वो बैठा लें, तो मैं सूचना मिलने पर मैं वहाँ पहुँच के अपने भाई को ले आऊँगा। जब इस मामले में बल्देवगढ़ थाना प्रभारी अमित साहू जी से बात की गई तो उन्होंने ऑफ कैमरे में जानकारी देते हुए बताया है कि उनके द्वारा यहां पर रिपोर्ट कराई गई थी जिस पर गुम कायम किया गया है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।